नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। अगर आप एक गार्जियन हैं या स्टूडेंट हैं या एक टीचर हैं तो आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नई शिक्षा नीति के बारे में। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में 29 जुलाई को, जो अभी एक बिल बना हुआ है, उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि 34 साल से हम लोग जिस शिक्षा नीति को पढ़ रहे थे वो क्या है। तो दोस्तों आते हैं वीडियो पे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है अभी पारित हुई है, 29 पारित नहीं हुई है, अभी इसका बिल आया है 29 जुलाई 2020 को, इसलिए इसका नाम ये रखा गया। लेकिन इससे पहले, नई शिक्षा नीति आने से पहले जो हम लोग शिक्षा नीति पढ़ रहे थे वो कब बना, तो आप देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, आप इसको जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, आप इसको देखेंगे कि ये जो है मंत्रालय, इसी के द्वारा ही आपका पूरा काम चलता था। लेकिन हमारी शिक्षा नीति 1948 में, 1948 में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, विश्वविद्यालय आयोग बना था, ठीक है, आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके अध्यक्ष बने थे, ठीक है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिस कमेटी को, जिस आयोग को क्या कहा गया, विश्वविद्यालय आयोग या कमेटी। यहीं से माना जाता है कि जो नई शिक्षा नीति स्टार्ट हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शुरू हुई है वो यहीं से शुरू हुई है। माना जाता है कि शिक्षा का विकास यहीं से संबंधित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ यहीं से माना जाता है, ठीक है, यहीं से माना जाता है इसका आरंभ। अब जब 1948 में इसका गठन हुआ तो जा करके 1964 में, 1964 और 1966 तक एक कोठारी आयोग का गठन हुआ, ठीक है, कोठारी आयोग बना था, उसी आयोग को जो है आगे बढ़ाया गया, उसी आयोग पर आगे जो है विचार विमर्श करके बताया गया, जिसमें कहा गया कि शिक्षा, ठीक है, इसको जानने से पहले, तो जब 1986 1966 64 में जो कोठारी आयोग का जब गठन हुआ, ठीक है, तो माना जाता है कि पहले जो संशोधन वगैरह हुआ, जो बदलाव इसमें हुए वो यहीं से आरंभ हुए। इन्होंने बताया कि शिक्षा कैसी चलनी चाहिए, इस आयोग ने ही बताया कि शिक्षा हमारी किस तरीके से क्या पॉलिसी है, सब कुछ इसमें बताया गया 1985 में, ठीक है, जब ये शिक्षा नीति, इस पे अमल काम करना शुरू हो गया, तो 1985 में एक शिक्षा चुनौती जो बक करके एक चुनौती निकली, ठीक है, शिक्षा की चुनौती, इसमें एक लोगों से सुझाव माना गया, ठीक है, उस समय कौन थी, उस समय इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी। तो जब 1985 में शिक्षा की चुनौती आई तो लोगों ने इसमें विचार विमर्श देना शुरू कर दिया, सभी बुद्धिजीवियों ने, जो ज्ञानी थे, जो जानने वाले थे, उस पर अपना विचार टिप्पणी दिए। तब जा करके 1986 में, ठीक है, कब, 1986 में एक नीति आई, जिसमें उस समय रखा गया नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति जो उस समय, क्योंकि बदलाव होकर के जो बने थे, नई शिक्षा नीति 1986 ये नाम रख दिया गया, जिसको हम इस समय पढ़ रहे थे। अभी 34 साल तक हम इसी पर ही, 34 वर्ष तक हम इस पर ही पढ़ रहे थे। सबसे बड़ा काम जो इसने किया वो क्या किया, 10+2+3, ये इसमें सबसे जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात रखी गई, कि जो शिक्षा की व्यवस्था रखी गई वो 10+2+3 के रूप में रखा गया। 1 से 10 तक में जो है वो कोई बदलाव, सब विषय अनिवार्य थे, और दूसरी बातें अंग्रेजीकरण इसमें था। फिर उसके बाद 11वीं में, 12वीं में जाएगा तो उसमें विषय का चुनाव कर सकते थे। अभी तक 1 से 10 तक
तय पाठ्यक्रम जो विषय होते थे उसको ही पढ़ाया जाता था, लेकिन जब 10 से ऊपर होते थे, 11 में जाते थे, 11 में जाते थे, 11वीं और 12वीं में उनको अपने विषय का चुनाव करने का अधिकार था, कुछ विषय ले सकते थे। इसमें स्ट्रीम बनाए गए थे साइंस साइड, आर्ट्स साइड और कॉमर्स। ठीक है, एक बच्चा अगर साइंस में पढ़ रहा है तो साइंस साइड के ही विषय को पढ़ेगा, आर्ट्स साइड में पढ़ रहा है तो आर्ट्स साइड के ही विषय को पढ़ाएगा, इस पढ़ेगा, इसमें ही बताया गया था। आगे प्लस थ्री जो रखा गया था वो स्नातक के लिए बताया गया था कि स्नातक इंटर का पास करने के बाद 3 साल का स्नातक का कोर्स रहेगा। तो ये थी हमारी पहले जो अभी तक हम 34 वर्षों तक पढ़ रहे थे उस शिक्षा नीति को। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 29 जुलाई 2020 को अभी नई शिक्षा नीति का एक गठन हुआ है, जिसमें अभी इस कैबिनेट मंत्रालय से इसका बिल पास हो गया है। आगे से इसमें देखते हैं कि कब बन करके निकल जाता है, कब इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जब भी आएगा ये शिक्षा नीति, आने से सभी स्टूडेंट या टीचर सभी के लिए बहुत ही जो है खुशी की लहर है और बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। देखिए 29 जुलाई को भी ये जो है बताया गया है, इसमें बात की गई है, जिसमें कि पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, इसके अंतर्गत हम लोग इसमें रखते थे, यानी कि कोई भी मंत्रालय शिक्षा से नहीं था। अब क्या किया गया है कि जो ये बदलाव हुए हैं नई शिक्षा नीति में, जो नया बदलाव हुआ है वो इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हटा करके क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। यानी कि जो पहले शिक्षा मंत्री नहीं होते थे, अब शिक्षा मंत्री के रूप में वो काम करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि नई जो पॉलिसी आई है उसमें जीडीपी का आप देखेंगे, अभी तक जो जीडीपी जो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 4.43 शिक्षा के लिए ही खर्च होता था। अब जो जीडीपी है, ठीक है, ये ओल्ड था, जो अब हमारा नया आएगा जो इसमें बात की गई है वो जीडीपी 6%, ठीक है, 6% जीडीपी जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च की जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये शिक्षा नीति जो है हमारी वो क्या है, कैसे है। ठीक है, तो इसमें जो बड़ा बदलाव किया गया है वो स्टेज बनाए गए हैं 5+3+3+4, ये सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों। आप जान लें कि ये जो नई नीति आई है इसमें 5+3+3+4 के रूप में जो काम होगा, जो शिक्षा व्यवस्था होगी, वो स्टूडेंट के लिए, वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 जो लिखा हुआ है, इस 5 का मतलब ये हो जाएगा कि इसको हम पहला स्टेज मानेंगे, जो क्या होगा हमारा, जो कि हमारा फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। ठीक है, जो हमारा फाउंडेशन स्टेज होगा, और इस फाउंडेशन स्टेज में प्री प्राइमरी और उसके बाद में क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों को रखा जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं प्री प्राइमरी मतलब पहले जो व्यवस्था थी, जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, वो क्लास फर्स्ट से बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब क्या प्री प्राइमरी, जिसको कि आप जानते हैं नर्सरी रखा जाता है, LKG होता है और UKG, इन क्लासों को भी अब हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सरकार के द्वारा जो सरकारी स्कूल चलते हैं उसमें भी पढ़ाया जाएगा, जहां पर बच्चों को सिर्फ खेल कूद से, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि गेम्स और अदर एक्टिविटी जो होगा, जो उनकी अदर एक्टिविटी होगी उनके द्वारा, ठीक है, अदर एक्टिविटी कार्यक्रम के द्वारा उनको अब शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बहुत बोझ होता था, किताबों का जो बोझ था, अब बच्चों के ऊपर कम हो जाएगा। अब यहाँ से पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी उनके अदर एक्टिविटी के द्वारा, यानी कि बोझ जो है वो 5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही बैक का बोझ है, वो कम हो जाएगा। तो ये था पहला स्टेज जिसको माना गया फाउंडेशन स्टेज, जिसमें प्राइमरी और क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को रखा गया। दूसरा स्टेज जो बनाया गया, ठीक है, दूसरा जो माना गया उसको सेकंड स्टेज के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेज क्या है, इसमें जो क्लासेस रखी जाएंगी, क्लास जो होगा वो 3 से लेकर के 5 तक होगा। सबसे ज़्यादा बदलाव इन्हीं बच्चों के लिए हम समझ सकते हैं, क्या है ये, अभी तक क्या था, बच्चों को जो है विषयों का चुनाव, यानी विषय जो है वो विषय से परिचय नहीं सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं,
अब क्या होगा, विषयों से परिचय होगा, यानी अब विषय को ये जान परिचय करेंगे, जानेंगे, जैसे कि आप जानते हैं मैथ, इंग्लिश या साइंस, SST, ऐसे नए विषयों का परिचय इस क्लास से होगा। यानी कि अभी तक जो गेम्स और अदर एक्टिविटी के द्वारा हो रहे थे, कुछ फाउंडेशन की स्टेज को पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ेंगे वो विषय से संबंधित विषय के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरी बात, पहला, अब ये तो है अंग्रेजी जो है वो सिर्फ अंग्रेजीकरण का, यहाँ पर इस क्लासों में अंग्रेजीकरण जो है वो क्या होगी, समाप्त होगी। जैसे जबरदस्ती उनको अंग्रेजी के रूप में थोपा जाता था, अब उनको ऐसा नहीं करने को मिलेगा। अब सिर्फ अंग्रेजी जो होगी वो एक विषय के रूप में होगी, जो इंग्लिश पढ़ाया जाएगा वो क्या होगा, एक विषय के रूप में ही काम करेगा। दूसरी चीज, जो क्लास थर्ड और से फाइव के बच्चों के लिए वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या जो है राष्ट्रीय भाषा में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। यानी अगर कोई जो है गुजराती में पढ़ना चाहता है, तो इस क्लास के बच्चे, 3 to 5 के बच्चे जो हैं वो गुजराती में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। कोई अगर मलयालम में पढ़ना चाहता है, पंजाबी में पढ़ना चाहता है, तो उनको यहाँ अधिकार दिया जाएगा, ये चीज़ें बताई जाएगी कि वो अपने स्थानीय भाषा या मातृभाषा में अब शिक्षा ले सकते हैं। तो ये हमारा 3 to 5 था। अगला जो स्टेज बनाया गया है, अगला जो स्टेज होगा वो आप देखें, ये जो है वो क्लास 6 to 8 के लिए है। ये जो होगा वो क्लास 6 to 8 के लिए होगा। अब जो उनको पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम के विषयों को पढ़ाया जाएगा, यानी विषय जो पढ़ रहे थे, अब उनको पाठ्यक्रम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। दूसरी चीज और क्या इसमें होगा, अब इसमें जो है कोडिंग कोडिंग बच्चे कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकते हैं। जो होगा वो कंप्यूटर कोडिंग, यानी कंप्यूटर कोडिंग भी बच्चे सीख सकते हैं, जैसे कि नए नए सॉफ्टवेयर या एप्स जो हैं, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अब बच्चे खुद बना सकते हैं, इनकी शिक्षा दी जाएगी। अभी तक क्या होता था, सिर्फ बच्चे सिर्फ विषय से पढ़ते थे, अब बच्चे कंप्यूटर कोडिंग को भी जानेंगे, नए एप्लीकेशन को बनाना, नए ऐप्स को बनाना या सॉफ्टवेयर को बनाना वो भी सीखेंगे। दूसरी चीज, इसमें एक बात और रखी गई, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो होगा वो होगा, जैसे अगर कोई बच्चा जो है रुचि रखता है अपना आर्ट में, पेंटिंग में, तो वो क्या करेगा, अपने प्रैक्टिकल के लिए किसी दूसरे स्थान पे जाकर के वो सीख सकता था, ये इंटर्नशिप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, तो वो कहीं जाकर के सीख सकता है, जो कि वो इंटर्नशिप में माने जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ बदलाव ये बच्चों के लिए ही थी, जो पहले सिर्फ विषय से घिरे रहते थे, अब उनको आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए कंप्यूटर और इंटर्नशिप की व्यवस्था भी रखी गई है। अगला जो स्टेज होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला जो स्टेज है वो बहुत ही भी जरूरी, वो भी जरूरी है, आप इसको देख लें। अगला जो स्टेज है वो फोर्थ माना गया, ये आपका जो 4 लिखा हुआ है आप इसको देखें, इसमें क्या रखी जाएगी, यहाँ क्लास जो होगा वो 9 से लेकर के 12 तक रखे जाएंगे। पहले क्या होता था, हम जैसे 9th या 10th में थे, तो हमें जो विषय बता दिया जाता था उन्हीं विषय को पढ़ते थे। अब क्या होगा कि अगर बच्चा जिस विषय का, यानी विषयों को चुनने की आज़ादी होगी, जो विषय चाहेगा वो चुन सकता है, विषयों को चुनने की आज़ादी होगी, जिस विषय को चाहता है वो पढ़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स, ऐसे जो हमारे 3 स्ट्रीम बनाए गए थे, अब अगर बच्चा चाह रहा है कि वो मैथ पढ़ना चाहता है या हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैथ, या अगर मान ले कि वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ना चाहता है और मैथ पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, तो और अकाउंटेंसी भी पढ़ना चाहता है, तो पहले क्या था कि अलग अलग जो स्ट्रीम थे उन स्ट्रीम के द्वारा ही पढ़ाई होती थी, लेकिन अब विषयों को चुनने की आज़ादी होगी, मतलब कोई भी विषय बच्चा चुन सकता है, जो उसको अच्छा लगे, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो चुन सकता है। यानी ये हम देख सकते हैं, अब जो बच्चे हैं वो किसी एक लय को,
स्टार्टिंग से ही अगर एक विषय को चुनते हुए जा रहे हैं, जिस विषय में उनकी रुचि है उस विषय को लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव इसमें हम देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और क्या है, विषयों को चुनने की आज़ादी। और उसके बाद में जो परीक्षाएँ होंगी वो सेमेस्टर वाइज होगा, जो परीक्षाएँ हैं वो सेमेस्टर वाइज हैं, यानी सेमेस्टर सिस्टम इसमें लागू हो जाएगा। क्या कह सकते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा, यानी हर साल में दो परीक्षाएं। ठीक है, वन ईयर में कितने एग्जाम होने हैं, टू एग्जाम होने हैं, और ये एग्जाम जो होंगे वो 6+6 मंथ पर होंगे, यानी हर 6 मंथ पर जो है वो एक एग्जाम होने हैं। और इन एग्जाम जो होंगे, जो ये एग्जाम होंगे, इनका फुल मार्क्स दे करके उनको रखा जाएगा। यानी एक ये दे सकते, ये कह सकते हैं कि जो पहले साल भर बच्चे घूम करके लास्ट में दो एक महीने जो है किसी गाइड या और किसी माध्यम से वो पढ़ाई कर लेते थे, अब वो व्यवस्था हट जाएगी, अब पूरे साल बच्चों को पढ़ाई करनी है। यानी कि हर एक पूरे साल अगर जो बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास में उसको पूरे साल, क्योंकि अब 6-6 मंथ पे 6-6 महीने पर एक एग्जाम होने हैं जो कि उसके फाइनल मार्कशीट में रखे जाएंगे। दूसरी चीज, अब बच्चे खुद को अंक दे सकते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट जो होगा, रिपोर्ट कार्ड जो बन के तैयार होगा, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो 360 पर होगा। 360 का मतलब अब बच्चे जो अंक देंगे, अंक जो है वो खुद दे सकते हैं, यानी जो बच्चे हैं वो खुद से दे सकते हैं कुछ अंक। उसके साथ साथ उनके मित्र जो हैं, सहपाठी, ठीक है, सहपाठी वो भी जो है अंक देंगे, यानी उनका भी अंक इसमें जुड़ेगा। और उसके साथ साथ जो विषय अध्यापक हैं, जो जिस विषय की पढ़ाई करवा रहे हैं, जो भी टीचर हैं, वो भी अब बच्चों को अंक देंगे। पहले क्या था, पहले सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम बच्चे खुद पास करते थे वो जो टीचर कॉपी चेक करता था उसको दे दिया जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड 360 होने की वजह से बच्चे जो है वो खुद से अंक, उनके सहपाठी और विषय अध्यापक भी उनको अंक दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर जो परीक्षा हो रही है, जो परीक्षा हो रही है बच्चों की, वो परीक्षा में बच्चे अपने भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा में जो भाषा उनको चुनना है, ठीक है, पसंद की भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, पसंद की भाषा में, यानी कि अगर कोई बच्चा अगर हिंदी में लिखना चाहता है तो वो हिंदी में लिखेगा, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में अपने एग्ज़ाम को लिखना चाहता है, क्वेश्चन आंसर को लिखना चाहता है, तो अब जो है ये पॉलिसी रखी गई है, इस नीति में बताया गया है कि वो अब अपने भाषा के अनुसार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखें अगला, इसके बाद हमारी बात कर रहे हैं अगर हम हायर एजुकेशन की। ठीक है, हायर एजुकेशन में सिर्फ दो एरिया को छोड़ करके, पहला तो कानूनी, जो कानूनी पढ़ाई होती है, और चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सा से संबंधित और कानून से संबंधित जो पढ़ाई होगी उनको लागू नहीं होगा। बाकी हम इसमें समझ सकते हैं कि अब जो होगा वो पढ़ाई जो होगी, अगर कोई बच्चा समझ लीजिए कि अभी इंटर तक उसको कुछ कम नंबर आ रहे हैं और उसको अपने मन मुताबिक विद्यालय में प्रवेश लेना है, तो इसके लिए बच्चों के लिए कैट लागू होगा, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है ये, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बच्चे दे करके अपनी पढ़ाई अपने मन मुताबिक विद्यालय में, अपने पसंद के विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। जो उनके अंक होंगे 12th के, 12 के, और जो इस टेस्ट में होंगे, दोनों को जोड़ करके अगर उस माना वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो उस स्टेज को क्रॉस करके जो उनमें बनाया गया होगा वो वहाँ तक एग्ज़ाम में जा सकते हैं, और वो अपने विषय, अपने मन मुताबिक विद्यालय को, अपने पसंद के विद्यालय का चुनाव कर सकते हैं। हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन की अगर पढ़ाई हो रही है तो ग्रेजुएशन अब कई तरीके से होगा। वन ईयर अगर कोई पास करता है, अगर कोई बच्चा, यानी क्या हो सकता है कि मल्टी इंट्री और मल्टी एग्जिट, अभी इसको बात करते हैं, तो वन ईयर अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए किसी साल एक ने पढ़ाई की और उसके बाद में उसको कोई दिक्कत आ गया, उसने पढ़ाई आगे नहीं कर पाया, तो क्या होगा, वन ईयर के बाद में उसको सर्टिफिकेट देगा,
सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट केवल दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 2 ईयर पास कर लेता है, 2 साल पास कर लेता है, तो उसको क्या, उसको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, उसको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। अगर कोई बच्चा 3 इयर्स पास करता है, कोई बच्चा 3 इयर्स पास करता है, तो उसको बैचलर की डिग्री, ठीक है, बैचलर्स डिग्री दे दी जाएगा, ठीक है, उसको बैचलर की डिग्री दी जाएगी। अब अगर कोई बच्चा जो है वो 4 ईयर, इसमें एक ये प्रावधान जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, अगर कोई बच्चा 4 साल भी पढ़ लेता है उसी ग्रेजुएशन को, तो उसको क्या होगा, रिसर्च के साथ, रिसर्च के साथ डिग्री, बैचलर की डिग्री दी जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले एक एमफिल होता था, अब उस एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, यानी बाद में जो एग्ज़ाम होते थे एमफिल का रिसर्च के रूप में, अब वो समाप्त हो गया है। अब अगर कोई बच्चा 3 साल पढ़ता है तो बैचलर की डिग्री मिल जाती है, लेकिन अगर 4th साल भी वो पढ़ता है तो वहाँ उसको रिसर्च के साथ में बैचलर की डिग्री दी जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।